गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 फिजिक्स मोशन। तो सबसे पहला टर्म है हमारा कि मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रिफरेंस पॉइंट, दैट मींस कि कोई फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में समय के साथ अपना स्थान बदले तो उसको मोशन में कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी पॉइंट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ, इन जनरल वे हम कह सकते हैं कि समय के साथ जब कोई वस्तु अपना जगह परिवर्तित करता है, अपना स्थान बदलता है, तो उसको हम लोग मोशन में कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मोशन के डिफिनेशन को देख लें थोड़ा सा। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारा मोशन का डिफिनेशन है। एक दिए हुए समय में, एक निश्चित समय में जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदलता है तो उसको हम मोशन में कहते हैं। ठीक है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो सभी मूविंग ऑब्जेक्ट का होता है कि वह समय के साथ अपना स्थान बदलता है। अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। समय के साथ वो अपना पोजीशन बदलता है। अब देखिए, एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मींस यहां फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो फिक्स्ड हो, जिसको हम रेफरेंस ले सके। अब यहां पे देखिए एक एग्जांपल, ये ट्री है, ट्री फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड पोजीशन पे है। एक गाड़ी है, कार, जो पोजीशन ए पे है। अब यहां से यह चलना शुरू किया और पहुंच गया पोजीशन बी पे। देखिए, यहां से यहां तक जाने में सपोज दैट कि उसको टी टाइम लगा, 30 सेकेंड का टाइम लगा, तब हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। क्यों कहेंगे मोशन में? क्योंकि एक रिफरेंस पॉइंट के दरमियान यह ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है एक निश्चित दिया हुआ समय में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह ऑब्जेक्ट मोशन में है। आप एक बार फिर से इस मोशन को समझिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक दिए गए समय में अपना स्थान एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित करता है, बदलता है, तब उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन करते हैं। चलिए, जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं उनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक गुण विशेषता जो सभी में होता है, सभी मूविंग ऑब्जेक्ट में होता है, वह यह है कि वह समय के साथ अपना स्थान बदलता है। हम लोग रिफरेंस पॉइंट लेते हैं। रिफरेंस पॉइंट उस चीज को लेते हैं जो एक्चुअली फिक्स होता है। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि ट्री यहां था और यहां से कार चलना शुरू किया, पोजीशन ए से बी पे पहुंच गया और ट्री अपने जगह पे बना हुआ है, यह रिफरेंस पॉइंट है। अब रिफरेंस पॉइंट की जगह हम कोई फिक्स चीज ले सकते हैं, जैसे मंदिर ले सकते हैं, टेम्पल, या कोई बिल्डिंग ले सकते हैं, या फिर ट्री ले सकते हैं। इस तरह से यह हमारा मोशन का डेफिनेशन हुआ। और मोशन हम किस कैसे कहते हैं कि ये मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम लोग दो टर्म हमारे पास है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके द्वारा कवर किया गया टोटल लेंथ ही डिस्टेंस कहलाता है। जिस पाथ पे वह चलता है उसको, उस पाथ का जो टोटल लेंथ है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। आप एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन पे है, ए से बी पे आया, बी से सी पे आया और फिर सी से डी पे गया। अब मान लीजिए कि यह 2 किलोमीटर है, यह 3 km और यह 4 km, ऐसे। अब देखिए, इनिशियल पॉइंट, यहां इनिशियल पॉइंट ए है, यहां से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, ट्रैवलिंग करना शुरू किया और फाइनल पॉइंट डी है, डी तक पहुंचा है। तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 2 + 3 + 4।
टोटल हो गया 9 km। ये हमारा हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी जो रास्ता ट्रेवल करता है उसका जो एक्चुअल लेंथ होता है, उसकी जो लंबाई होती है, वही उसका डिस्टेंस होता है। ओके, आपको बता दूं कि डिस्टेंस के साथ कोई डायरेक्शन नहीं होता है। हम ये नहीं कहते हैं 10 किलोमीटर ईस्ट 10 किलोमीटर वेस्ट, डिस्टेंस के साथ नहीं होता है। डिस्टेंस के साथ कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ है उस पाथ का जो ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाता है। ओके, नाउ हमारे पास अब दूसरा टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अंतर है, स्लाइटली डिफरेंस। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के फाइनल पोजीशन, सॉरी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का न्यूनतम दूरी होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब एक एग्जांपल से हम इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच या किसी दो पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? जस्ट इमेजिन क्या हो सकता है वह डिस्टेंस। मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो पॉइंट है, ए और बी दो पॉइंट है, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? ए से बी तक हमको पहुंचना है तो हम ऐसे पहुंच सकते हैं, ऐसे पहुंच सकते हैं और फिर ऐसे पहुंच सकते हैं। ये तीन तरीका है। एक तरीका ये एग्जांपल के लिए है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब ए से बी तक में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा तरीका हमको दे रहा है? वह दे रहा है हमको स्ट्रेट लाइन, वह दे रहा है हमको स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी दो पोजीशन या किसी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वह उस दो पॉइंट को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन का लेंथ होता है, उसकी लंबाई होती है, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसलिए नोट्स के लिए ये, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन का लेंथ ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसी दो पॉइंट के बीच का। ओके, अब एक और एग्जांपल से हम लोग इसको और क्लियर करेंगे कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, सपोज है कि हम ये लिए तीन पोजीशन ए बी और सी, ये तीन पोजीशन हम लोग यहां पे ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए से सी तक जाता है, ए से सी तक जाता है, ऐसे मूव करता है, ए से सी तक पहुंचता है। यह एक केस है। हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। इनिशियल पॉइंट हमारा ए है, यहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया और फाइनल पॉइंट हमारा सी है। अब इस दोनों केस, इस केस के लिए हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मेजर करेंगे। इसके लिए हम कुछ डाटा ले लेते हैं, जैसे इसको ले लिया 4, इसको ले लिया 5 और इसको ले लिया 3। मान लीजिए मीटर है। अब हम लोग यहां निकालेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है डिस्टेंस के बारे में आपको बताया कि डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना शुरू कहां से किया? यहां से ट्रेवल करना शुरू किया, यहां आया, फिर यहां से यहां आया। तो डिस्टेंस क्या होगा जब हम यहां निकालेंगे डिस्टेंस? तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा ए से बी आया तो ए बी प्लस बी से सी आया, क्योंकि सी हमारा फाइनल पोजिशन है, तो फिर ये हो गया बी सी। अब देखिए, ए बी हमारा है 5 और बी सी हमारा है 3 meters, तो कुल मिलाकर ये 8 meters हमारा डिस्टेंस हो गया। ये क्या है? डिस्टेंस। 8 meters हमारा क्या निकला? डिस्टेंस, वह पाथ का एक्चुअल लेंथ जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के किसी दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ लिसन, अब देखिए यहाँ इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन का लेंथ होता है। तो यहां से देखिए, यहां से यहां हम स्ट्रेट लाइन मिलाया और इसका लेंथ है हमारा 4 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ए से सी तक गया और ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 मीटर। देखिए डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो इसके साथ डायरेक्शन आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में, तो वहां और क्लियर करेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके साथ हम लोग डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं। तो आप देखिए कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजिशन ए और फाइनल पोजिशन सी, ऑब्जेक्ट ऐसे चला मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन आपका क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पे डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहां से पूरा क्लियर है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जा कैसे रहा है, ए से सी तक पहुंचा है तो ये डायरेक्शन जा रहा है, दैट मींस हुआ जा रहा है वेस्ट, तो हम लिखेंगे 4 मीटर वेस्ट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम दो एग्जांपल लिए हैं यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर करने के लिए, दो एग्जांपल लिए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, ये इनिशियल पोजीशन है पॉइंट ए, हम लोग लिए हैं इस पोजीशन को इनिशियल पोजीशन, यहां से ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, यहां से वह दूरी तय करना शुरू करता है और वह पहुंचता है सी तक, सी हमारा फाइनल पोजीशन है। अब इस केस के लिए हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है, तो देखिए हमारा वैल्यू दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक आया फिर बी से सी तक गया, तो इसका जो टोटल लेंथ होगा वह हो जाएगा डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू 8 मीटर, हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो देखिए इनिशियल पोजिशन हमारा ए है और फाइनल पोजिशन हमारा सी है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ए सी, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ए सी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इज आवर डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग, अब देखिए ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो हमको निकालना है लेंथ किसका, ए से सी तक का, तो हमको बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, अब एच का वैल्यू आपको पता है 5 मीटर और पी का वैल्यू पता है 3 मीटर, ये हो गया आपका 25 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 16 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है, 16 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीटर। 4 मीटर हमारा क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के साथ हम डायरेक्शन मेंशन करेंगे, फिर से यहाँ वेस्ट 4 मीटर वेस्ट, ये हमारा निकल गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 4 मीटर वेस्ट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक सर्कल का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सपोज दैट कि हमारा पोजीशन ए इनिशियल पोजीशन है और पोजीशन बी फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है और पोजीशन बी फाइनल पोजीशन है, तो इस केस में हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये निकालना। तो अब देखिए जब यहां से ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा और यहां पहुंचेगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है, पहले तो आप ये जानिए सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, किसी भी सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई है, 2 पाई है। ओके, तो हमको निकालना क्या है,
हमको आधा निकालना, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस क्या है, जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल लेंथ जो ट्रेवल कर रहा है वह ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है, पाथ क्या है ए से बी तक, तो ये पूरा लेंथ हमको चाहिए डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए हमको ये पूरा लेंथ चाहिए। तो चूंकि पूरा सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो हमको हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस लेना है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा पाई आर। ओके, तो हमारा डिस्टेंस तो क्लियर हो गया, डिस्टेंस क्या आ गया हमारा पाई आर, पाई आर डिस्टेंस आ गया। अब देखिए यहां बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल पोजीशन क्या है बी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। ओके, सो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए से बी तक का। अब देखिए ये आर है रेडियस इस सर्कुलर पाथ का, ये आर है और फिर ये भी आर है, डायमीटर की बात हम करते हैं आप यहां, क्योंकि ये पूरा ए से बी तक हमारा हो गया डायमीटर, तो आर प्लस आर ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू टू आर, टू आर हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए चूंकि इनिशियल पोजिशन ये है और फाइनल पोजिशन ये है, तो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कैसे करेगा फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, ये डायरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का, डायरेक्शन ये होगा, तो फिर से हमारा डायरेक्शन जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट डायरेक्शन, इस तरह से हम इसको क्लियर कर लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन है कि क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बस इस चीज को हम लोग क्लियर करना है यहाँ पे। देखिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, उसके लिए केसेस है और वही केस हम आपको यहां बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए से चलना शुरू किया बी तक आया, ए से बी तक आया, अब इस केस में आप देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उस समय उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं क्या पोजीशन ए से बी तक का बात करें, यहां देखिए डिस्टेंस 5 मीटर मैग्नीट्यूड बराबर और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये भी 5 मीटर, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, सिर्फ इसके साथ डायरेक्शन हम लिख सकते हैं। फिर हम लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से बी पे आया और फिर बी से गया सी पे, यहां तक पहुंचा ए से बी पोजीशन पे और बी से आया सी पे, अब यहां मेंशन करते हैं कि ए से सी तक आया तो यहां डिस्टेंस क्या होगा, यहां डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस यहां हो जाएगा 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। अब यहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और सी इसको एक स्ट्रेट लाइन मिला रहा है, निश्चित रूप से यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा, तो इसलिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी होगा 10 मीटर, बिकॉज हम मेंशन कर रहे हैं क्या ए से सी, ए इनिशियल पोजीशन है सी फाइनल पोजीशन है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच का एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होगा जो 10 मीटर है, क्लियर। तो हम देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्लियर है। लेकिन फिर क्या होता है कि वो अगर रिवर्स करता है, देखिए दूसरा केस है आपको बता, यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्लियर। दूसरा केस है हमारा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक गया, बी से सी तक गया और फिर सी से वह वापिस आया बी तक, ए से बी गया, बी से सी गया और फिर सी से वापस आया बी तक। नेक्स्ट केस, इस केस में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेंशन करते हैं,
इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेंशन कैसे करेंगे? देखिए यहां डिस्टेंस हो जाएगा, यहां डिस्टेंस हो जाएगा 5, ए से बी गया 5, बी से सी गया फिर से 5, और फिर सी से बी आया तो फिर से 5। ये टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ए से ए बी गया, फिर बी सी गया और फिर सी से बी आया, सी बी आया तो 5 + 5 + 5 मतलब 15 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं, इसी केस के लिए हम डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं। देखिए हमारा इनिशियल पोजीशन ए था और ऑब्जेक्ट ए से गया सी तक और फिर वापस आया और फिर वापस आके वह बी तक पहुंच गया। अब इस केस के लिए डिस्टेंस हमारा निकला है 15 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, एंड नाउ बी इज द फाइनल पोजीशन। सो हम इसके बीच की दूरी, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके तो ये क्या है 5 मीटर, तो इस केस के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 5 मीटर। अब देखिए 5 मीटर इसके साथ डायरेक्शन हमको मेंशन करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन जब हम मेंशन करेंगे तो हम देखेंगे कि इनिशियल पोजीशन हमारा ए था और फाइनल पोजीशन हमारा इस केस में बी है, तो हमारा डायरेक्शन क्या जा रहा है, ए टू बी मतलब ईस्ट टू वेस्ट, जनरली वेस्ट, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट केस इसको हम और बढ़ाते हैं, सपोज दैट ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, फिर सी से बी पे आया और फिर बी से आगे आया, ये फिर से आगे आया। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से फिर बी पे आया और फिर बी से ए पे आया, ऐसे ऑब्जेक्ट गया है और फिर रिटर्न होकर के अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। इस केस के लिए आप देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस एक दूरी तो ये पूरा ट्रैवल किया मतलब 5 10 मीटर और फिर वापस आया तो फिर 10 मीटर, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 20 मीटर, 10 मीटर गया और 10 मीटर वापस आया 20 मीटर। अब देखिए हमारा जो पोजीशन ए है यही इनिशियल पोजीशन भी है और यही फाइनल पोजीशन भी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए से सी तक गया और फिर सी से ए पे आके रेस्ट लिया, तो हमारा ए इनिशियल पोजीशन भी है और फाइनल पोजीशन भी है। अब बताइए कि जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही हो तो उसके बीच का कोई डिस्टेंस नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस का कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू जरूर होगा और डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम आपको बात कर ले थोड़ा एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल, ये एसआई यूनिट है जो पूरा दुनिया इसको मानती है और इसको हर एक कंट्री में समान रूप से लागू किया गया है। तो हम लोग यहां देखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, डिस्टेंस का मीटर एम से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर, इसको भी हम एम से डिनोट करते हैं। ओके नाउ टू ये क्लास मोशन का हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक क्लियर किए हैं, आप लोग इस वीडियो को रिपीट करिए, एक दो बार रिपीट करके देखिए, आपको जरूर इससे फायदा होगा और मेरा वेल विशेष है आप लोगों के लिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रह के पढ़ाई कीजिए, आपका पढ़ाई भी कमजोर नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।